मैंने ना दिशा के लिए डायमंड का सेट बनवाया था उसे शॉपिंग में देने के लिए। शादी मैं आप सोच रही हूँ कि आपकी नहीं बन कोई तड़कती सी साड़ी से हमें चुप करा और ये सोचो कि दुनिया को कैसे चुप कराओगे। माँ बाबा को मुझ पर फक्र हो, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं। मैं ना कहता था बाबा आपसे, देखिए आपके फेवरेट लाडले बेटे ने आज हम सबको कान लाके खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो हम इस घर से एक कदम बाहर नहीं रख पाएंगे, देख लेना। दादा बाद में बात करते हैं इस बारे में, और आप रहने दीजिए ना। मैं कैसे रहने दूंगा वीर, मैं चाहूं ना चाहूं लेकिन तेरे कारनामे की वजह से मीडिया समाज लोगों के सवाल मुझे इसे घसीट कर लाएंगे ही। किचन में तूने पैर रखा है लेकिन उसके छींटे हम सबके चेहरे पर पड़े। दादा ए रवि बस बस, मां सही कह रही है तुम्हारी, कौशिक सही है, कोई गलत है। समय मैं तुम्हारी मैं जानता था मुझे कुछ यकीन था। जीवन साथी में कितनी कमियां क्यों ना, हमें सब खूबियां देखनी चाहिए, जैसे माँ ने देखी आपने सब खूब। लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं है, निर्जा जो भी है जैसे भी है जहां से भी है, निर्जा का साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने सिखाया है ना कि अब जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, तो शादी भी एक बार होती है। तो मैं और निर्जा उस बंधन में बंध चुके हैं, मैं मरते दम तक वो बंधन। आपको आपका ये घर और आपकी इज्जत मुबारक हो। मुझे इसका ये फैसला मंजूर है। आप क्यों अच्छाई का नाटक कर रही हो, तुम्हें तो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। माँ जाने दीजिए अभी, सही कहा, इस घर की चार दीवारी से बाहर जाएगा ना तब उसे समझ आएगा। लेकिन अभी तुमने बिल्कुल सही नहीं किया हमारे प्यार को टुकड़ा दिया। अबीर ने किया त्रिशा से शादी करने से इनकार, नीरजा से शादी करेगा अबीर, घर वाले हुए शौक। जी हाँ, शो नीरजा के ऑन सेट से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नई अपडेट, जहां अपकमिंग ट्रैक में अबीर त्रिशा से शादी करने से इनकार कर देगा। और ये सुनकर घर वालों को लगने वाला है एक बड़ा शॉक, जहां नीरजा को घर ले आएगा अबीर और सबको बताएगा कि वो नीरजा से शादी करना चाहता है। यहाँ अबीर के इस डिसीजन से घर वाले जो हैं वो शॉक रह जाएंगे, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार अब किस तरीके से वो त्रिशा को मना करे कि अबीर उससे शादी नहीं करना चाहता है। तो वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ नीरजा का हाथ थामना चाहता है अबीर और उसे बनाना चाहता है अपनी पत्नी। ऐसे में अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब त्रिशा के सामने ये सच्चाई आएगी तो उसे कैसा महसूस होगा। वेल, इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शो से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।